खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा आदाब। आज बनाएंगे कुछ शहंशाहों की रसोई से कुछ बढ़िया सा खाना, ऐसा खाना जो पुराने जमाने में शहंशाह लोग खाया करते थे। वैसे तब तो बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा कर लिया करते थे वो लोग। अकबर के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बहुत सारे खानसामे होते थे और अलग अलग जगह से अलग अलग खाने आया करते थे, जैसे कि मेवान खाने से कुछ फल फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स सारी चीज़ें, या फिर रिताब खाने से कुछ रोटी पराठे ऐसी सारी चीज़ें। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो शहंशाह लोग थे वो खाने में बहुत रुचि रखते थे। खैर, खाने में रुचि तो आज भी बहुत सारी है, लेकिन पहले लोग क्या खाया करते थे उसमें हमें पता नहीं चलता था, क्योंकि पता नहीं क्या क्या खा लेते थे। बहुत छुप छुप के तो खाना बनाया करते थे सब लोग। खैर, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, कुछ सुल्तानी। जी हाँ, क्या बनाएंगे अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर। मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बारी है कुछ ऐसे खानों की जो राजसी हैं, जी हाँ राजा महाराजा इनको खाया करते थे। और शुरुआत करते हैं दाल से। अब दाल, राजा महाराजा क्या बात कर रहे हैं संजीव जी आप। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप सब ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन दाल को भी बढ़िया बनाया जा सकता है। बढ़िया का मतलब उसको भी थोड़ा रिच किया जा सकता है, कुछ अलग किया जा सकता है उसमें। तो देखते हैं सुल्तानी दाल। इसके लिए आप अरहर की दाल ले लें। ये अरहर की दाल को हमने पकाना है, पानी डालकर इसे पहले अच्छी तरह से धो लें, कुछ देर भिगो लें, और उसके बाद नमक डालकर सिर्फ आपने इसे उबालना है। और ये जो दाल है इसे आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, और इसमें से जो ज़्यादा पानी है उसको निकाल लें। ये जो दाल है, सिर्फ उबली हुई दाल, ये यहाँ पर रखी हुई है मैंने। ये देखिए सूखी दाल है। अब इसमें आप रखें ये पत्ता, ये पान का पत्ता है, और अब इसमें हम रखेंगे कोयला। कोयले को पहले जला लें। जब तक ये कोयला जलता है तब तक थोड़ी और तैयारी हम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास दही है, दही में मिक्स करते हैं क्रीम, और इसके साथ इसमें डालें दूध। नॉर्मली जब दाल बनाते हैं तो सिर्फ पानी डालते हैं उसके अंदर, यहाँ पर दूध दही और क्रीम तीनों चीज़ें। अब इसका तड़का भी तैयार कर लेते हैं हम। घी, घी जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें लौंग और इलायची। इसे कुछ देर तक पकाना है ताकि इसके अंदर, घी के अंदर फ्लेवर आ जाए लौंग और इलायची का। और अब इसके अंदर शाही जीरा, और उसके साथ इसमें डालें लहसुन। अब ये जो कोयला है ये लाल हो चुका है। अब इस कोयले को इस पान के पत्ते के ऊपर रखता हूँ मैं। आप चाहें तो इसमें भी थोड़े से कुछ लौंग और इलायची इस तरह से डाल सकते हैं, और इसके बाद इस कोयले के ऊपर डालें घी। और अब ढक्कन लगाकर आप इसे बंद कर दें। ढक्कन लगाने के बाद इसको कुछ देर तक हमने रखना है ताकि इसके अंदर सब फ्लेवर चले जाएं दाल के अंदर। अब इसके अंदर कोयले का फ्लेवर आएगा, उसके साथ साथ इलायची और लौंग का। ये देखिए कितना धुआं इसके अंदर है। और अब इस ढक्कन को हम खोल देते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में। अब इसे आप निकाल लें ये पत्ते को। ये जो दाल है जिसके अंदर स्मोक्ड फ्लेवर आ चुका है इसको इसमें डालेंगे हम। और अब इस तड़के में इसे हमने मिक्स करना है दाल को। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है जिसमें है दूध दही और क्रीम, इसे मिक्स कर लें। और अब इसे कुछ देर हमने पकाना है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं सीजनिंग, नमक और कुटी हुई काली मिर्च। देखिए ये जो दाल है इसके अंदर ना लाल मिर्च है ना हल्दी है,
लेकिन फिर भी जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा है और एक अलग किस्म का फ्लेवर। अब ये जो दाल है वैसे तैयार है लेकिन अच्छी तरह से गर्म हो जानी चाहिए। इसमें एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है डालने के लिए वो है पुदीने के पत्ते। पहले डलते थे या नहीं डलते थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप कुछ पुदीने के पत्ते लें और तोड़कर इसके अंदर डालें। ये जितने खाने हैं ऐसे खाने देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। पुराने ज़माने में ये जो राजा महाराजा थे वो कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनवाते थे और फिर खाते थे। खैर आज भी आप बना सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो हम नहीं खा सकते, काफ़ी हैवी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आजकल डालने में डर लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर जो कॉपी कर लें कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया चाहिए हमें। और अगर हम देखें पुरानी चीज़ों में बहुत नयापन मिलता है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, और एक गेस्ट भी हैं। कौन गेस्ट हैं देखते रहिए खाना खजाना। मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। सुल्तानी दाल के लिए 1.25 कप अरहर की दाल, नमक स्वादानुसार, 1.25 कप दूध, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 1 कप दही, 1 पान का पत्ता, 8 लौंग, 8 हरी इलायची, 2 बड़े चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच शाही जीरा, 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, कुछ पुदीने के पत्ते और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। सुल्तानी दाल के लिए अरहर की दाल को पानी में 15 मिनट तक भिगोएं, इसमें नमक डालकर इसे पका लें और इसे छान लें। इस पकी हुई दाल को एक पैन में डालें, ऊपर से 1 पान का पत्ता रखें और पान के पत्ते के ऊपर जलता हुआ कोयला, लौंग, हरी इलायची और घी डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट तक रख दें। एक बोल में दही, क्रीम और दूध डालकर मिला लें। एक मोटे तले के बर्तन में घी लेकर इसमें लौंग, हरी इलायची डालकर कुछ देर तक भूनें। इसमें शाही जीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर कुछ देर तक पकाएं। अब इसमें पकी हुई दाल और दूध, दही और क्रीम के मिक्सचर को डालकर मिला लें। इसमें नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर पकाएं। इसमें पुदीने के पत्तों को हाथ से तोड़कर डालें और मिक्स कर लें और इस दाल को गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं कुछ रेसिपीज शहनशाह की रसोई से, यानी ऐसे खाने जो थोड़े से रिच है, कुछ पुराने जमाने के हैं लेकिन टेस्ट नए नए हैं, और खाने ऐसे हैं जिसका खाने का दिल सबका करता है। क्योंकि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो कुछ ऐसी डिशेस बनाने का दिल करता है जिसको देखकर ऐसा लगे वाह पुराने ज़माने की याद आ जाए। तो चलिए देखते हैं अंजीर मुर्ग। बहुत आसान है, ड्राइड अंजीर से बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए बोनलेस चिकन आप ले लें और बोनलेस चिकन के पीसेस कुछ टुकड़े इस तरह के काटने हैं आपने, और अंजीर ले लें जो ड्राइड अंजीर होती है फिग, उसको गर्म पानी के अंदर कुछ देर सोक करना है करीब 1/2 घंटे तक, और उसके बाद पानी में से निकाल लें। अब चिकन का पीस लें, अंजीर लें और एक और चिकन का पीस। इसके बाद टूथपिक से इस तरह से आप इसको जोड़ लें। जब आप चिकन को और अंजीर को इस तरह से लगा लें उसके बाद इसे हमने मैरिनेट करना है। इसको मैरिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, सबसे तो पहले लेते हैं दही, फेंटा हुआ दही। इसके साथ इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब इसमें कुछ मसाले, लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ इसमें डालें काजू का पाउडर। वाह, और इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और क्या क्या डाला जाए, नमक तो नहीं डाला, चलिए नमक डाल लेते हैं, नमक, और इसके साथ इसमें डालें थोड़ा सा घी। और इसके साथ इसमें डालें थोड़ी फ्रेश क्रीम, इसे मिक्स कर लें, और ये जो चिकन के पीसेस हैं उसे इसके अंदर डालें, इस मसाले के अंदर, इस मैरिनेट के अंदर। ये चिकन को हमने रखना है कुछ देर तक। अब पकाने की तैयारी करते हैं इसे। आप चाहें तो इसको घी में पका सकते हैं, क्योंकि पहले तो तेल किसी ने सुना ही नहीं था। घी जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें शाही जीरा। अब इसके अंदर डालेंगे
सूखी लाल मिर्च टुकड़ों में कटी हुई, इसके साथ इसमें डालें दालचीनी। अब इसके अंदर डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, आप ग्रेट किया हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। अब ये जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, एकदम बढ़िया। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये जो चिकन है मैरिनेट किया हुआ, इसमें दही है, थोड़ी क्रीम है, घी है, मसाले हैं, और चिकन को इस तरह से हमने पकाना है इसमें मसाले में। इसे हमने तेज़ आंच पर कुछ देर तक पकाना है और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। यदि आपके पास स्टॉक है तो चिकन या मटन का स्टॉक इसके अंदर डालें। पानी डालकर इसको तेज़ आंच पर कुछ देर तक और पकाते हैं, और यदि इसके अंदर हमने केसर नहीं डाला तो जितने राजा महाराजा हैं वो नाखुश हो जाएंगे। तो केसर। अब ये जो डिश है अंजीर मुर्ग तकरीबन रेडी है, इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ज़्यादा नहीं, और मिक्स कर लेते हैं। इसे सर्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, इसके अंदर हमने टूथपिक्स डाली थी, तो सर्व करने से पहले आप जिसे सर्व करें आप बता दें कि इसके अंदर टूथपिक्स हैं, तो खाने से पहले टूथपिक्स निकाल कर फिर चिकन और अंजीर और इसमें जो ग्रेवी है उसका आनंद लें। लेकिन सर्व करने से पहले ऊपर थोड़ी सी चांदी की या सोने की वर्क लगाएं, तभी मज़ा आएगा, तभी लगेगा कि कुछ शहनशाही डिश बनी है। अगर आप ऐसी डिश बनाते हैं तो कभी कभी बनाएं, क्योंकि हैवी है, काजू है, क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेस्टी बहुत है, बहुत बढ़िया है। अंजीर मुर्ग के बाद बारी आती है एक ऐसी डिश की जो बनी है बहुत ही महंगे इंग्रेडिएंट से, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसको मैंने आज तक खाना खजाना में कभी इस्तेमाल नहीं किया है। कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन सी डिश है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंजीर मुर्ग के लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस, 10 सूखी अंजीर पानी में भीगी हुई, 3 बड़े चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 3 सूखी हुई लाल मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 प्याज बारीक कटी हुई, चुटकी भर केसर, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम और चांदी का वर्क। मैरिनेट करने के लिए 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चौथाई कप काजू का पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम और 2 बड़े चम्मच घी। इसके लिए सबसे पहले पानी में भीगी हुई अंजीर को निकाल लें। अब इसे टूथपिक में चिकन के पीसेस के साथ लगाएं और इसी तरह से सभी चिकन के पीसेस और अंजीर को लगाकर एक बोल में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काजू पाउडर, नमक, घी और फ्रेश क्रीम डालकर मिलाएं। अब इसमें चिकन और अंजीर के पीसेस डालकर करीब आधे घंटे तक रख दें। एक बर्तन में घी लेकर इसमें शाही जीरा, सूखी लाल मिर्चें, दालचीनी और बारीक कटी हुई प्याज डालकर भून लें। अब इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस डालकर तेज आंच पर कुछ देर तक पकाएं। अब इसमें पानी और केसर डालकर कुछ देर तक पका लें। जब चिकन पक जाए तब इसमें फ्रेश क्रीम डालकर मिलाएं और ऊपर से चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें। रॉयल किचन की कई किताबें पढ़कर पता चलता है कि जितना वक्त और पैसा दरबार की शानो शौकत में लगता था उतने ही ध्यान से शाही रसोई घर भी चलाए जाते थे। हर एक रियासत की रसोई और खाने का अपना अपना अंदाज था। जहां हैदराबादी खाने में तीखापन और मसालों का मजा था, वहीं लखनऊ के नवाबी खाने में कुछ नजाकत भी थी। कहते हैं कि लखनऊ के टुंडे के कबाब में 264 मसाले डाले जाते थे और कुछ कबाब तो ऐसे होते थे जो मुंह में डालते ही पिघल जाते थे। खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज आप देख रहे हैं शहनशाह की रसोई से ऐसे ऐसे खाने जिसमें बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं, बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ हैं, थोड़ी सी मुश्किलें थोड़ी आसान हैं, लेकिन जितनी मुश्किलें हैं सब आसान करने के लिए मेरे साथ आई हैं एक बहुत बढ़िया से गेस्ट, नाम है सोनिया। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया आप यहाँ पर आई शहनशाह की रसोई में, पुराने ज़माने में कैसे खाने बनते थे। और मैंने दर्शकों को बताया था कि ये जो रेसिपी बताऊंगा इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करूंगा जो बहुत ही महंगा है, खाया जाता है। अब चलिए सस्पेंस खोल देते हैं,
ये इंग्रेडिएंट है। क्या है ये? ये है गुच्छी। गुच्छी अब ये जो लोग नॉर्थ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पुलाव वगैरह में डालते हैं, और कश्मीर में हिमाचल में मिलती है। एक तरह से आप मशरूम की एक किस्म कह सकते हैं, लेकिन एक यूनिक चीज़ है। कितनी महंगी है ये बता देता हूँ मैं सबसे पहले। बता दीजिए। एक किलो अगर जो आपने गुच्छी खरीदनी है तो जेब में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए तो होने ही चाहिए। 10 से 15 हजार? लेकिन क्या वजह है, इतनी महंगी क्यों है ये? बहुत कम एक तो होती है, क्वांटिटी अच्छा। कम होती है और बहुत मुश्किल से शायद मिलती है, और इसके साथ में अब इतनी महंगी चीज़ है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं इसको खाते हैं। अच्छा। इतनी महंगी है वैसे कौन खाएगा, तो गुच्छी को पनीर के साथ कॉम्बिनेशन है। हाँ नहीं, वैसे तो पुलाव में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा। चावल के साथ में थोड़ी सी गुच्छी डालनी पड़ती है, लेकिन हम बनाएंगे पनीर की डिश। तो ये जो गुच्छी है इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। कैसे काटेंगे? ये लीजिए आप। आपको खाना बनाने का कितना शौक है? आपको अभी पता लग जाएगा। अभी पता चले, चले देखते हैं। कैसे काटना है? छोटा छोटा, जितना छोटा काट सके। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ अच्छा बना ले, स्पीड भी अच्छी है, आप खाना बना लेते हैं। चलिए गुच्छी तैयार हो गई है। अब इसको पकाने के लिए शुरुआत करते हैं हम घी से। हाँ घी से। घी हल्का हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा खड़ा गरम मसाला, इलायची, लौंग और तेजपत्ता। तेजपत्ता, ये मोटी वाली इलायची भी डाल देते हैं, और दालचीनी। अब इसके अंदर जीरा, जीरा, और इसके साथ इसमें डालते हैं थोड़ा सा खसखस। खसखस, अब ये खसखस भी लाल हो गई है, इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज, चलिए ये भून लिया है हमने। अब इसमें अदरक और लहसुन और हरी मिर्च, ये लीजिए, क्योंकि आपने नहीं, आप बनाइए। अब तो मैं बना। मैंने, हाँ क्योंकि आप अच्छा बनाती है, मुझे पता है। कितना डालना है वो आप बता दीजिए। जितना आप डालेंगे ठीक डालेंगे। अच्छा, अदरक, अच्छा फ्रेश। अब पुराने जमाने में तो ऐसे पेस्ट तो मिला नहीं करती थी कि डब्बे के अंदर, बॉटल के अंदर, तो इसीलिए सारी चीज़ें फ्रेश। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़, जो भी अदरक लहसुन ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये चॉप करके डालें तो स्वाद आता है, मुंह में आती रहती है, अदरवाइज वो टेस्ट मिक्स हो जाता है हर चीज़ का। तो अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। ये टमाटर डाल देते हैं। अब इसमें सूखे मसाले डाल दें। डाल दीजिए। हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च और हरी मिर्च डालें तो कैसा है? हरी मिर्च डालेंगे तो मजा आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर डाल देते हैं ये गुच्छी। अच्छा, अब इसको मिक्स करेंगे। हाँ, थोड़ा पानी डाल देता हूँ मैं। पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करना है हमने। नमक डाल दें। नमक, पानी को रिड्यूस करने के लिए नमक डाला जाता है? नमक में तो खुद पानी होता है ना? नहीं, नमक पानी बाहर निकालता है। अच्छा। किसी भी चीज में से, तो अब जितना पानी इसमें से निकलना होगा वो आ जाएगा और साथ साथ पक जाएगा। अच्छा, पानी इसमें से रिड्यूस हो गया। अब बारी पनीर की, ग्रेटेड पनीर। और कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका, लाल एकदम। ये अब रेडी हो गया है, तो आई थिंक हमें इसे खा ही लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए। गुच्छी पनीर कीमा के लिए 4 से 6 गुच्छी पानी में भीगी हुई, 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर, 3 बड़े चम्मच घी, 2 हरी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 1 मोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई खसखस, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, 8 काजू कटे हुए, और गार्निश करने के लिए हरा धनिया।
सबसे पहले पानी में भीगी हुई गुच्छी को छान लें और इसको पतले पतले टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में घी गरम करें, इसमें हरी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, भुनी हुई खसखस और बारीक कटी हुई प्याज डालकर अच्छी तरह से भून लें। इसमें कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन डालकर कुछ देर तक भूनें। इसके साथ इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालकर कुछ देर तक और पकाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें कटी हुई गुच्छी और थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएं और इसमें नमक और कटे हुए काजू डालकर कुछ देर तक पकाएं। जब पानी सूख जाए तब इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डालकर मिक्स कर लें और इसमें से तेज पत्ता निकालकर हरे धनिया से गार्निश करके इसे सर्व करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरूर लिखकर भेजें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। राजा महाराजा तो नहीं, बस यही खाना रह गया है। नमस्कार।